बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे माशरे में ज़ाहिर है दुनिया में हम फिरते हैं, घूमते हैं फाहशी और उरियानी और बेपर्दगी की बुनियाद पर। हर बंदा हर रोज़ किसी न किसी गलत औरत पर नज़र डाल रहा होता है, चारों ना चार, कभी ऑफिस में, कभी दुकान पर, कभी कारोबार में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी मीडिया पर। ऐसे हालात वाकयात पेश आते हैं जिसकी वजह से बंदा ये चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी शरीक हयात, मेरी औरत, मेरी बीवी, मेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करने वाली पूरी पूरी उन मेजरमेंट्स पर और उन क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हो जिसमें कोई मॉडल उतर रही है, जिसमें कोई एंकर उतर रही है, जिसमें कोई बाज़ार में आने वाली ग्राहक उतर रही है, कपड़े सिलवाने वाली खातून उतर रही है। खुलासा ये कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं ऐसी परफेक्ट बीवी से शादी करूं जो मेरी ज़रूरियात का, मेरी ख्वाहिशात का और मेरी सोच और फिक्र के साथ साथ बदलना और चलना जानती हो। इस हवाले से अहम चीज़ जो मैं समझता हूं और जो मेरे मुताले में आई है और लोग फ़ोन करके हमसे पूछते हैं, वो ये है कि ब्रेस्ट फ्रेमिंग का इशू है। कोई लड़की ऐसी है कि वो बेचारी निकाह से महरूम है, मजबूर है और बिलो स्टैंडर्ड निकाह करने के लिए, रुखसती के लिए तैयार है, लेकिन मसला ये है कि उसके ब्रेस्ट का इशू है, पिस्तान पूरी तरह से उभरे और बने हुए नहीं हैं। इसी तरह शादी हो गई है, अब बंदा मर्द इस बात से नाचाकियों की तरफ जा रहा है, दुखों की तरफ जा रहा है, गमों की तरफ जा रहा है और बिल आखिर लड़ाई झगड़ा तू तू मैं होती है इस बात पर कि तेरा ये मसला है। मुंह से नहीं कहता तो कम से कम जब भी सेक्स करता है उसमें उसको इस चीज़ की कमी शिद्दत से महसूस होती है। तो अब ऐसी मेरी बहनें, ऐसी मेरी बेटियाँ क्या ऐसा काम करें कि अल्लाह पाक उनको शिफा नसीब फरमाए। इस हवाले से सबसे अहम चीज़ तो जिस्मानी इलाज है भाई। ये हारमोन्स का मसला है, हुदूद का मसला है और मेमोरी ग्लैंड्स का मसला है। इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और उमदा काम करती हैं, रिज़ल्ट देती हैं। ऐसी ऐसी ख़वातीन जिनको ये बहुत शिकायत थी, उनके मर्दों ने कहा कि हम अपनी औरत से इस एतबार से मुतमईन नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दवाई दी, अल्लाह पाक ने करम फरमाया, 6 से 8 हफ्ते में वो न सिर्फ मुतमईन हो गए, खुश हो गए, बल्कि दुआ भी दी और साथ ही मिठाई का डब्बा भी लेकर आए। तो इसके बाद अब हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा इंतहाई आसान है। इस वजीफ़े को करना है तेल पर दम करना है, इसको आम घर में इस्तेमाल होने वाले लोशन या क्रीम पर दम करना है और इन चीज़ों पर दम करने के बाद इस्तेमाल करना है। तो कौन सी आयत है, कितनी दफ़ा पढ़नी है और कितने दिन पढ़नी है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। 40 दिन तक आयत पढ़ेंगे 41 मरतबा, 40 दिन तक आयत पढ़ेंगे 41 दिन तक पढ़ेंगे 41 मरतबा पढ़ेंगे और पानी पर दम करके और इसी तरह उस तेल पर, उस लोशन पर दम करेंगे अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। आयत मुबारक ये है, वज़रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया कमा इन अनज़ल्लाहु मिनस्समा فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا। ये सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 45। इसको 41 मरतबा पढ़ा तेल पर, लोशन पर, क्रीम पर, पानी पर, पानी पीते रहे सारा दिन और ये लोशन रात को सोते हुए लगाया या सुबह फजर के बाद लगाया और सारा दिन लगा रहा और शाम को नहा धो लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से न सिर्फ आप हमें दुआ देंगे और बल्कि आप लोगों की जो माएँ हैं वो हमें खुसूसियत से आप लोगों के घर बच जाने की वजह से दुआओं में याद रखेंगी और ज़रूर याद रखेंगी। बस हमें सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है।